रही है। सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख पहुंच चुके हैं। सीआईडी ने शाहजहां शेख की कस्टडी सौंप दी है सीबीआई को। इस खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विक्रम दास। विक्रम बताइए क्या अपडेट है। विक्रम आपको मेरी आवाज पहुंच चुकी है। जी देखिए आप लोग आपको बोलूं कि आखिरकार शेख शाहजहां को हिरासत में ले ही लिया सीबीआई। दो दिन का जो ड्रामा चल रहा था जो नाटक चल रहा था उसका अंत हुआ क्योंकि हाई कोर्ट से कल जैसे डिवीजन बेंच से बोला गया था कि सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ेगा शेख शाहजहां को सीआईडी को। लेकिन सीआईडी ने एक अजूहात खड़ा कर दिया कि सीआईडी या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है तो मैटर पेंडिंग है। लेकिन ये जो बात ये जो बहाना देके शेख शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया सीआईडी, आज जो डिवीजन बेंच ने ऑर्डर दिया उसमें पूरा के पूरा साफ कर दिया था कि शेख शाहजहां को लेने में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा स्थगितादेश नहीं है। इसी में ही जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से कि 4:15 के अंदर उनको ले जाने का बात निर्देश दिया गया था, उसी बीच देखा गया कि सीबीआई का 6 गाड़ी सीआरपीएफ को लेके वो लोग आए, एकदम सीधा बिल्कुल सीधा भवानी भवन में आए। वहां पे 2 घंटा तक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसी के बाद कुछ ही देर पहले शेख शाहजहां को अपना हिरासत में लेके सीबीआई का टीम वो अपना सीबीआई ऑफिस में लेके गया। आखिर में शेख शाहजहां को सीबीआई अपना हिरासत में लेके जा सका, जिसके खिलाफ कई आरोप है, जहां पे ईडी को पीटना, सीआरपीएफ को पीटना, पत्रकारों को पीटना, ऐसे के और भी सारे उनके खिलाफ एलिगेशन है, जहां पे मोलेस्टेशन से लेके मर्डर तक का उनका ऊपर एलिगेशन है। लेकिन शेख शाहजहां का पास बार बार देखा गया कि टीएमसी का जो एकदम टॉप लीडरशिप है उनको उनके पास खड़े रहने, वो चाहे ममता बनर्जी जो कि राज्य का सीएम हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, कई बार पहले देखा गया कि उनके पास खड़े होते हुए। लेकिन आखिरकार उनको सीबीआई ने अपना हिरासत में लिया, कोर्ट हाई कोर्ट का इंटरवेंशन से ही सीबीआई उनको अपना हिरासत में ले पाया। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया करेंगे विक्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उस पूरी खबर को बताने के लिए।